हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की सब्जी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने सभी चीज पहले से ही काट के रख दी थी क्योंकि मैं अपनी वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती थी। आप ये देखिए, मैंने प्याज काट ली है और ये हरी मिर्च, मैंने 4 से 6 हरी मिर्च हैं ये, और ये 2 टमाटर हैं बड़े वाले, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। आलू देखिए बड़े बड़े काट के रख लिए हैं आलू की सब्जी के लिए। ये देखिए, ये हैं 6 से 7 आलू हैं और जो मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। आइए अब देखते हैं। ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है देखिए, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप देख सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ऑयल को हम गरम होने देंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जीरा और राई, और मैंने ये लिया है गरम मसाला, और ये लिया है नमक स्वाद अनुसार, और ये है धनिया, और ये है थोड़ी सी हींग, और ये है हल्दी, और ये है कड़ी पत्ता। ठीक है, अभी हम डालेंगे ये जीरा और राई। आप देख सकते हैं जीरा और राई मैंने डाल दी है। इसके बाद हम ये डालेंगे किसी भी थोड़ी सी हींग मैंने डाल दी है, और अब उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज मैं डाल रही हूँ। मुझे अपना वीडियो अपने आप ही बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा फोन मेरा हिल रहा होगा। ये मैंने डाल दिया है, तेल को हल्का ब्राउन होने तक चलाना है। आज हमारी भुन चुकी है, और अब मैं इसमें डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, अब इसके तुरंत बाद हमें डाल देनी है ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के बाद मैं डालूंगी ये कड़ी पत्ता। सारी चीजें मिक्स हो जाएं, उसके बाद हमें ऐड करना है ये टमाटर। ये टमाटर हमारा हल्का सा फ्राई करके इसमें ऐड करना है नमक। ये देखिए, नमक मैं ऐड कर रही हूँ। ये नमक ऐड करके भून देना है अच्छे से, फिर इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। ये पानी हमने डाल दिया है, डाला देखिए अब भुन गया है। भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये सारे मसाले। ये सारे मसाले भुन गए हैं अच्छे से। मसाले भुन गए हैं, और अब इसमें ऐड करना है पोटैटो जो हमने अभी काटा था। इसमें हम अब पोटैटो ऐड कर रहे हैं। मेरी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसको अच्छे से चला देना है। चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्योंकि आलू भी कच्चे ना रहें, और सारा मसाला तो वैसे ही ऑलरेडी पक चुका है,
पर जब ये ज्यादा पकेगा इसका स्वाद तभी आएगा। और हम इसमें 4 सीटी लगाएंगे। तो हम अभी इसका ढक्का लगा देते हैं। आलू कैसे बने हैं ये देखिए, चला के आलू को देख लेते हैं कैसे बने हैं। और ये आलू बहुत टेस्टी बने हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे, हल्का सा ऐसे ही चला चला के मैश कर लेंगे। ये देखिए हमने मैश कर लिए हैं, आलू बहुत टेस्टी बने हैं ये देखिए। और आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। आइए इसे सर्व करते हैं। आलू बनके रेडी हैं, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी आलू बने हैं। आप चाहें तो इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और अपने घर में हमेशा से ही ऐसे आलू की सब्जी बनाती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी आलू की सब्जी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।